राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई इस हिंसा के बाद, इस घटना के बाद में, दर्दनाक घटना के बाद में निंदा की है। एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसे निर्वस्त किया गया है, वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। दो दिन पहले हुई घटना के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता अस्वीकार्य है। NCW प्रमुख रेखा शर्मा ने राज्य के DGP को दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और आवश्यक IPC प्रावधान लागू करने के निर्देश दिए हैं। हम 5 दिनों के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट हमें दें, ये बात भी कही गई है। पांच दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना का संज्ञान लिया है और ये लेटर बाकायदा जारी किया गया और DGP से कहा गया है कि हितेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। हितेंद्र, किस प्रकार की चीजें अब हम बनती बिगड़ती देख रहे हैं इस मामले के सामने आने के बाद में। गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जरूरत है कि ऐसे मामले सामने आने के बाद में ऐसी कार्रवाई भी हो कि एक मिसाल कायम हो और एक नज़ीर पेश हो कि अगर इस प्रकार की वारदात होती है तो जाहिर तौर पर सब मिलकर ऐसे लोगों को सजा देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि देखा जाता है कि प्रतापगढ़ के दरियावाद में ये कांड होने के बाद से ही प्रतापगढ़ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई थी, जिसके बाद से लगातार तुरंत से दबिश देकर आरोपियों की गिरफ्तारी में लग चुकी थी, जिसके बाद अब तक 8 आरोपियों को डिटेन कर चुकी है प्रतापगढ़ पुलिस, जिसमें से एक नाबालिग भी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इतनी तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि 5 दिन के भीतर महिला आयोग ने भी रिपोर्ट मांग ली है, पुलिस भी एक्शन मोड में है, 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले को सामने आने के बाद में मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में गंभीरता दिखाई है और खुद DGP सभी को निर्देशित किया है और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे भी हैं और इसमें कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो सवाल बार बार उठ रहे हैं कि जो संवेदनहीनता है जो दिखाई दी है उसका क्या होगा, क्या इसमें लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ऐसे मामले सामने आने के बाद में, ये अपने आप देखने वाली बात है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरियाबाद में महिला को नग्न कर परेड कराने के मामले में अब तक 10 व्यक्ति नामजद हुए, ये भी आपको बता दें, जिनमें से मुख्य अभियुक्त सहित 8 गिरफ्तार हुए हैं। मां के साथ में पीड़िता की ओर से दरियाबाद थाने में मामला दर्ज कराया गया, एक नाबालिग डिटेन।